ऑस्कर विनिंग फिल्म आरआरआर के एक्टर रे स्टीवेंसन के निधन की खबर से उनके फैंस सदमे में हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि इतने काबिल और बेहतरीन अभिनेता यूं अचानक चले जाएंगे। 58 साल की उम्र में स्टीवेंसन का निधन हुआ, लेकिन अब तक मौत का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन उनके इस अचानक निधन के बाद बॉलीवुड में और पूरे सिनेमा में ही शोक की बयार है। आपको बता दें, राजा मौली, जिनके साथ उन्होंने काफी काम किया, उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए जो पोस्ट शेयर की उसमें ये लिखा कि ये चौंकाने वाली खबर है, मैं स्तब्ध हूँ, इस खबर पर विश्वास ही नहीं हो रहा। रे सेट पर बहुत एनर्जी और जिंदा दिली लेकर आते थे, जो पूरे सेट पर फैल जाता था। उनके साथ काम करना बहुत मजेदार होता था। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि ये खबर सुनकर आरआरआर की पूरी टीम को झटका लगा है। आरआरआर की टीम ने रिएक्ट करते हुए कहा, टीम के लिए ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। रेस्ट इन पीस रे स्टीवेंसन, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। राजा मौली और आरआरआर की टीम ही नहीं, आपको बता दें कि बॉलीवुड के और साउथ सिनेमा के कई दिग्गजों ने स्टीवेंसन को याद करते हुए पोस्ट शेयर की है। जूनियर एनटीआर ने भी लिखा है कि ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत जल्दी चले गए हैं आप, रे स्टीवेंसन ऐसा सोचा नहीं था। आपको बता दें कि ब्लॉकबस्टर पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म आरआरआर में स्टीवेंसन ने हालांकि नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन ये किरदार पूरी फिल्म पर छा गया था। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम गवर्नर स्कॉट बक्सटन था। आरआरआर में उनकी परफॉर्मेंस धमाकेदार रही थी, जिसकी चर्चा हर तरफ रही थी। इसके अलावा थार और वाइकिंग्स जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। एनिमेटेड स्टार वॉर्स की सीरीज द क्लोन वॉर्स और रिबेल्स में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है।